बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। आज हम एक डिजाइनर टाइप की फ्रॉक बनाने वाले हैं, उसका फैब्रिक ये रहा। टंटना, कैसा लग रहा है? ये इतने स्पेशल तरीके से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये हमारी प्रीति का है। हाँ, तो स्पेशल तरीका क्या है उसमें? मतलब टंटना, ये स्पेशल तरीका ही तो। अच्छा, हाँ मतलब कुछ अपने खुद की फ्रॉक बन रही हो तो कितनी खुशी रहती है ना। तो ये कस्टमर का नहीं है, ये हमारी प्रीति का ही है। तो प्रीति, तुमने कैसी फ्रॉक डिसाइड की? अच्छा, बड़ा सा बहुत सारे घेर की। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नेक बनाएंगे इस टाइप से, ऐसा थोड़ा सा फुल स्टैंड कॉलर टाइप का रहेगा, थोड़ा सा पैक और हल्का सा यहाँ पर वी, और उसमें यहाँ पर प्रीति को ऐसे रिबन टाइप की, वो बड़े बड़े से फंदे नहीं लटक जाते हैं, वो बनाने हैं। और स्लीव्स कपड़े के हिसाब से देख लेंगे, अगर बलून वाली बन जाएगी तो अच्छा है, अगर नहीं बनेगी तो नॉर्मल स्लीव्स चल जाएगी। बलून वाली नहीं बनेगी तो अम्ब्रेला वाली आती है ना, वो भी चल जाएगी यहाँ से, अम्ब्रेला वाली। हाँ, वो भी अच्छी लगेगी, है ना। तो दोनों में जो भी ये बन पाएगी, जितना कपड़ा बचेगा उसके हिसाब से स्लीव्स हम बाद में बता देंगे आपको डिसाइड कैसे बनाना है। बाकी चोली और घेर में सब हमारा डिसाइड हुआ है, चलिए हम आपको कटिंग करना बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं कटिंग करना स्टार्ट। तो ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये हमारे पास बड़े अरज वाला जो जॉर्जेट होता है, ये वो वाला जॉर्जेट है जिसका साठ पना होता है। अभी हम आपको नाप के बता देंगे कितना है, अभी तो हमने भी नापा लेकिन ये बड़े अरज का है। तो ये हमने लिया है 4 मीटर कपड़ा, और अस्तर का कपड़ा ले लिया हमने 3 मीटर अस्तर। हम अम्ब्रेला घेर का काटेंगे और ये वाला हम कोर वाला जो घेर होता है इसमें हम वो वाला घेर काटेंगे। तो अस्तर हमने 3 मीटर ले लिया, अस्तर का कपड़ा है क्रेप का, जो बटर क्रेप होती है वो हमने अस्तर के लिए लिया है, और ये मेन फैब्रिक है वो जॉर्जेट का है। तो हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को सिंगल कर लेंगे और इसमें से चोली कट करेंगे। यहाँ से हमने एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से हम चोली निकाल रहे हैं। अब प्रीति का साइज तो कम है तो एक पल्लर में चोली निकल जाएगी, अगर आपका साइज थोड़ा ज्यादा है तो आपको 3.5 या 4 मीटर अस्तर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर छोटा पड़ जाएगा आपका। अब हम चोली कट कर रहे हैं, हमारी फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करने का निशान लगाएंगे, इसके बाद यहाँ से ऐसा तिरछा निशान लगाएंगे क्योंकि हम ये कॉलर वाली बनाएंगे। और तिरछा देखिए हमने कितना किया है इसको, 1 इंच। प्रीति के शोल्डर 14 इंच के आएंगे कॉलर वाली के हिसाब से, उसका आधा हमने रख लिया है 7। आर्मोल्स की गोलाई 6.5 आएगी। अब इंची टेप को बीच में रख लेंगे चोली के बिल्कुल बीचम बीच में। चोली की लंबाई हमको 13.5 इंच की रखना है, तो हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच यहाँ दबेगा और आधा इंच यहाँ दबेगा। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। चेस्ट की फिटिंग हमारी 31 है, 31 में 2 प्लस कर लेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 का चौथाई भाग 8.25 इंच आएगा, 8.25 पर निशान लगा देंगे। कमर 26 है, 26 में 2 प्लस कर लेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 का चौथाई भाग 7 आएगा, 7 पर निशान लगा लिया। लंबी लंबी लाइन खींच लेंगे, इस निशान से इसको मिला देंगे और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर कर देंगे हम गोलाई, हो गई है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ पर एक छोटा सा कट और एक कट यहाँ फिटिंग के पास, एक कट यहाँ सेंटर पे। इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ से ये जुड़ी है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसको वापस से जमा लेंगे। इसको ठीक से जमाने के बाद अब हम कर रहे हैं गले की कटिंग। तो देखिए 3.25 इंच हमको फैलान रखना है, स्टैंड कॉलर बन रहा है इसलिए 3.25 रखी है हमने फैलान। गले की जो गोलाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी, और यहाँ पर हम छोटा सा वी बनाएंगे तो ये हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से हम इसका राउंड शेप दे देंगे। गले का साइज हम 6.5 इंच करेंगे क्योंकि इसमें सर नहीं जाएगा फिर। अब ये जो वी का शेप है ऐसा आएगा लंबा वाला। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहां से गोलाई कर देंगे, ये हमारी गोलाई हो चुकी है। अब ये बैक पार्ट लेंगे, इसमें भी नाखून लगाया और ये 3.25 इंच फैलान रखेंगे इसमें भी, और यहां से 0.5 इंच बस, यहां से इसका ऐसा हल्का सा गोल टाइप का बना देंगे। वहां पे यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देंगे। तो चोली चोली का काम तो हमारा हो गया है, इसको हम हटा देंगे। अब इसमें से अस्तर को नहीं काटेंगे, अभी अस्तर का घेर हम बाद में काटेंगे, पहले हम काटेंगे इसका घेर। इसके हिसाब से हम अस्तर का घेर कट करेंगे। तो इस कपड़े को हम पहले उल्टा कर लेंगे। इस कपड़े की जो विड्थ है वो 57 इंच की है। खत्म, यहाँ से इंची टेप दिख ही नहीं रहा वहां पर।
अब इस कपड़े को हम उल्टा कर लेंगे और देखिए इस कोने से इसको मिला लेंगे। दोनों कोने को मिला लिया। अब क्या करना है आपको, ठीक से जमा लेना है इसको। ये हमने डबल कर लिया कपड़ा। इसके बाद ये वाला कोना पकड़ेंगे, एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा फोर फोल्ड हो जाएगा। कपड़े को अच्छे से जमा लिया हमने। देखिए ये वाली हमारी जो साइड है ये बंद वाली साइड है, ये हमारा पैक है यहाँ से, और इस साइड एक खुला आया है और एक बंद आया है। देखिए ये दोनों खुले हैं और ये एक पल्लर बंद है। अब यहाँ से हमको लगाना है कमर का निशान, ये बंद वाली साइड से। देखिए ये हमारे बंद है यहाँ से, पूरे बस इधर से खुले हैं अकेले। यहाँ से ये किनारी किनारी बनी हुई है, ये देखिए चारों किनारी आ गई और यहाँ से ये बंद वाला हिस्सा आ गया। यहाँ से लगाना है हमें कमर का निशान, ये बंद वाले हिस्से में से। तो कमर कितनी आई थी हमारी, कमर का चौथाई भाग करने के बाद हमारा आया था सात निकला था। ये जो किनारी है ये तो चली जाएगी सिलाई में, ये सिलाई में दबेगी तो इसको अपन ने छोड़ दिया। यहाँ से सात के आधे कितने होते हैं, 3.5 इंच। तो यहाँ से रखेंगे हम इंची टेप, इसको छोड़ के किनारी किनारी छोड़ेंगे और 3.5 पर निशान लगा देंगे, और इस साइड से भी इंची टेप को रखेंगे और 3.5 पर निशान लगा देंगे। 3.5 इंच पर निशान लगा दिया हमने, और यहाँ से बीच सेंटर से रखेंगे यहाँ से, और यहाँ पर बीच में भी एक बार 1.5 का निशान लगा लेंगे, और एक छोटा सा यहाँ और एक छोटा सा यहाँ। तो ये हो गई इसकी गोलाई। अब इस गोलाई को नाप कर देखेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखा, ये गया, ये गया, 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 ये देखिए पूरा 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, और जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा पूरा आराम से आ जाएगा। मतलब कि ये थोड़ा सा जब अपन सिलते हैं तो ये अपने आप बढ़ भी जाता है, और अगर थोड़ा छोटा बड़ा पड़ रहा हो थोड़ा सा और बाद में छोटा पड़े तो इतना सा आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा जरा चीजों को अपन इतना माइंड नहीं लेते। ये वाले निशान लगाने के बाद अब हमको लगाना है लंबाई का निशान। तो यहाँ से रखेंगे हम इंची टेप को, ये है हमारा 20 सेंटर सामने वाली साइड का, मतलब यहाँ आएगा ये, क्योंकि ये पैक वाली साइड है, पैक वाली साइड है, तो ये सामने आएगा और ये साइड में चला जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड किनारे किनारे, तो यहाँ से हमने इंची टेप को ऊपर साइड ले लिया है। 13.5 इंच की हमारी चोली है, 13 इंच हमने इंची टेप को ऊपर साइड छोड़ दिया है, आधे इंच यहाँ पर हमारा सिलाई में दब जाएगा, इसलिए हमने 13 इंच छोड़ा है। ये इतना हो जाएगा हमारा सिलाई का, तो ये हो जाएगी 13.5 इंच तैयार। ठीक है दीदी, यहाँ से इंची टेप को ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, और लंबाई तैयार हमको चाहिए 48, तो हम रखेंगे 49। हमने अभी डिसाइड कर लिया कि इसमें पीको करना है, तो इसलिए हमने सिर्फ आधे इंच लंबाई बड़ी रखी, ज्यादा नहीं रख रहे हम। अब इंची टेप को वापस लेंगे, वापस ले लिया हमने, और यहाँ से हम नाप कर देखेंगे। यहाँ से हमने ये नाप के देखा 35.5 इंच आ रहा है। अब 35.5 इंच पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरे निशान लगा लेना है। एक पर्सन और हो तो आप उसकी हेल्प ले लीजिए, वहाँ पे इंची टेप पकड़ लेगा तो यहाँ पे एक जन दूसरा जन निशान लगा दिया जाएगा। हमारे पास 2 पर्सन तो है लेकिन एक कैमरा पकड़े हुए है। ऐसे ही लगाना है, वो तो इतना ज्यादा वो नहीं है, आप लोग समझ ही गए हैं कैसे लगाना है। यहाँ से तो प्रीति पूरा फिक्स ही आ जाएगा, है ना? हाँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पूरे गोलाई से निशान लग चुके हैं, गए हैं बढ़िया निशान। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। प्रिंटेड है ना दीदी, तो निशान ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, पर इतने तो दिख हाँ आ रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो देख लीजिए आप, यहाँ से हम कटिंग करेंगे, और इस कटिंग करने के बाद इस गोले को नापेंगे भी, ये बड़ा या नहीं बड़ा, क्योंकि ये ज्यादातर बढ़ ही जाता है। ये देखिए, ये हमने कटिंग कर दी इसकी, अब एक बार और नाप लेते हैं। खोल कर नापो दीदी, बढ़ेगा फिर, खोलने में बढ़ता। अरे वैसे ही 7.5 इंच हो गए, यहाँ इतना सिलाई के लिए हो जाएगा। पहले 7 ही आ रहा था, और तो मतलब ये सबसे आसान तरीका है ना, मतलब जितनी भी कमर हो उसका चौथाई भाग ले लो और निशान लगा लो ना। उसका आधा करने के बाद निशान लगाना है। अब इसकी भी कटिंग कर देंगे, ये हमारे यहाँ से कट हो गया है, और ये देखिए हमारा कितना बड़ा घेर हो गया है। और आपको बिना कली का या कुछ भी ऐसा सिंपल सा चाहिए, उसमें कुछ कली मली नहीं आए, बिना उसके अम्ब्रेला, बिना चुन्नट के बहुत सारा घेर चाहिए ना, तो आपको ऐसा बनाना होगा। ये देखिए कितना बड़ा घेर हो गया, बहुत बड़ा हो गया, यहाँ से भी ये पलट गया, ये इतना बड़ा घेर है। और वैसे भी जब ये बन जाएगा तो प्रीति आपको पहनकर दिखाई देगी, इतना बड़ा घेर ये इसमें आ चुका है। इसको नापेंगे तो ये 6 मीटर से ऊपर ही निकलेगा। फ्रेंड्स, हम आपको नाप के भी बताएंगे जब स्टिच कर लेंगे, इसके बाद पीको करेंगे तब नाप लेंगे। हाँ। अब हम निकालेंगे इसका भी अस्तर। इसका अस्तर निकालने के लिए इस कपड़े को हमने ले लिया है, और उसको जो बचा हुआ है उसको अभी हमने वैसे ही रखा रहने दिया, क्योंकि हम इसमें इसकी चोली निकालेंगे और अस्तर निकालेंगे तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अस्तर का काम खत्म ही कर देते हैं। नीचे घेर घेर का काम है ना दीदी। इसको लिया, डबल फोल्ड कर लिया ये हमने,
डबल करने के बाद अच्छे से जमा लेंगे इसको और इसका ये ओरिफ शेप बना लेंगे। यहाँ से ये नॉर्मल अम्ब्रेला रख रहे हैं हम इसको, इसमें बड़ा वाला घेर नहीं डाल रहे क्योंकि अंदर स्तर में बड़ा घेर डालने की क्या जरूरत है। और अगर किसी को डालना हो तो दीदी डालना हो तो बराबर स्तर लो, मतलब दोनों कपड़े सेम ले लो बराबर और वो बड़े अरस का ही होना चाहिए स्तर, जब भी तो आएगा। हाँ, नहीं तो फिर इतना बड़ा घेर ही नहीं आएगा। हाँ, इसमें एक स्पेशल चीज ये भी है कि अगर आपको ये बड़ा वाला घेर डालना है ना तो आपको कपड़े की अरस जो होती है विर्थ जो होती है वो भी आपको बड़ी ही लेना पड़ेगी। छोटी विर्थ वाले में ये बंद तो जाएगा पर जोड़ लगाना पड़ेगा आपको, सामने आएंगे और वो जोड़ बहुत बेकार लगते हैं वो की। या फिर लंबाई थोड़ी कम आएगी, लंबाई यहाँ से थोड़ी कम होगी ना, लंबाई आ जाएगी उसमें। कितनी लंबाई आ जाएगी चोली चोली वो जो कमर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितनी कमर कट रही है हिसाब से भी डिपेंड करता है कितनी कमर कट रही है उसमें से। अगर प्रीति 45 से तो ऊपर निकल जाएगी लंबाई दीदी, लेकिन हाँ 45 से बड़ी बन जाएगी आराम है ना, कम अरस के मतलब जो नॉर्मल 40-45 का अरस होता है उसमें 45 लंबाई तक बन जाएगी। ये हमने ओरिव शेप बना लिया। अब हमने इसको पहले क्यों नहीं काटा था इसकी वजह सुन लीजिए आप, नहीं तो हम ये पहले भी काट सकते थे, ये तो नॉर्मल चीज है। ये हमने पहले इसलिए नहीं काटा था क्योंकि हमको कमर का जो शेप देना है यहाँ का वो इसके हिसाब से देना पड़ेगा तभी इसमें सही बैठ पाएगी, नहीं तो ये इसमें सही नहीं बैठेगी। अब देखिए ये ले ली हमने अपने ऊपर वाले मेन फैब्रिक की कमर, ये हमारा जो वी वाला शेप है ये वो है और ये हमने जो कमर पहले काट ली ये वो है। इसको ऐसे लेना है और जैसे भी इसका शेप सही से बैठ पा रहा हो वैसे इसको रख देना है। यहाँ से जरूर अच्छे से मिला लेना है, यहाँ इधर से बंद वाले हिस्से में से। अब ऐसे ही हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये देखिए यारा है ना ऐसा नोक टाइप का, अगर हम नॉर्मल अम्ब्रेला काटते तो यहाँ से ऐसी कटिंग आती। कैसी ऐसी कटिंग आती ना यहाँ से आपको? अच्छा, सीधी वाली आती तो फिर ये यहाँ से कम पड़ता तो फिर अस्तर ऐसा नीचे हो जाता और फिर बाद में सही से लगता। अच्छा, मतलब यहाँ से उचकता टाइप का है ना? लगता नहीं सही, इसलिए मैंने पहले कमर नहीं काटी थी इसकी। अब हमने इसकी ये कमर इसके हिसाब से काट दी है, अब इसको हम हटा देते हैं। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसके हिसाब से कमर काटनी थी। ये हमने चोली जितनी है उतना छोड़ दिया इंची टेप ऊपर से और लंबाई हमको चाहिए 48 इंच, तो हमने ये 48 की जगह 47 पे निशान लगा लिया क्योंकि ये यहाँ से बढ़ जाएगी। यहाँ से हमने इंची टेप को छोड़ा और ये ऐसे करके आगे बढ़ाकर हमने ये निशान लगा दिए है और अब हम इसकी नीचे से घेर की भी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी हमको कली लगाना पड़ेगी, तो ये रहा हमारा ऊपर, यहाँ से ये कपड़ा पतली वाली साइड हमको यहाँ करना है। ये देखिए यहाँ इसको इसके ऊपर रख देंगे, ये रखा हमने 1 इंच ऊपर चढ़ा दिया है और ये थोड़ा सा हमारा कोना निकल रहा है तो इसको काट के हटा देंगे। काट के हमने इसको बराबर कर लिया है और यहाँ से भी कट कर दिया, ये हमारी कट हो गई है। इस कली को बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, जब सिलाई होगी तो ये इसमें जॉइंट हो जाएगी। तो हमारी ये अस्तर की कटिंग हो गई है, हमारा अस्तर का घेर कट गया है। अब बचा हमारा ये वाला कपड़ा जो हमने यहाँ से हटाया नहीं था अभी तक। हमारी ये दो खुली वाली साइड है, इनको हम लेंगे, इनको यहाँ से ऐसे कर देंगे और यहाँ से हम निकालते हैं पहले आस्तीन है। इस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे, ये बराबर करने के बाद हमने इस कपड़े को जमा लिया है, इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है और हमने इसको थोड़ा ज्यादा फोल्ड किया है क्योंकि हम इसमें यहाँ पर हल्की हल्की हिचोन और यहाँ पर लास्टिक वाली स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ से हमने इसको फोल्ड कितना किया है 18 इंच तक। अब हम बताएंगे किसके हिसाब से फोल्ड किया है। पहले हम आस्तीनों की लंबाई लगा लेंगे, यहाँ से हमने ये पूरा रख लिया है, इतना तो हमारा ही कट जाएगा, देख लेंगे अगर काटना हुआ तो काट देंगे नहीं तो फिर इस पे पीको कर देंगे। इतना हमने अभी छोड़ दिया है इसको। आस्तीन की लंबाई हमारी 20 इंच है तो हम 20.5 पर निशान लगा देंगे। सीने का चौथाई भाग हमारा 8.25 इंच निकला था तो हमने 8.25 पर निशान लगा दिया। ये इतना तो हमको चाहिए ही है तैयार। इससे डबल ले लिया है ना दीदी लगभग? इससे हमने डबल ले लिया, उससे मतलब डबल ले लिया। अगर थोड़ी और ज्यादा लेना चाहो तो आप ज्यादा भी ले सकते हो, थोड़ा कम लेना चाहो तो कम भी ले सकते हो, जितना आपके पास फैब्रिक हो उसके हिसाब से आप ले लो क्योंकि यहाँ पर जितनी ज्यादा चुन्नटे आएंगी उतना ही अच्छा लगेगा। और यहाँ से हमको इतना लगभग 3 इंच यहाँ से कम कर लेना है, मतलब स्लीव्स का शेप दे देना है। शेप दे देना है, यहाँ से हमको सीधा निशान लगा लेना है, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 4 इंच नीचे निशान लगा लेना है, यहाँ से स्लीव्स का शेप दे देंगे। और ये वाला निशान तो हमने आपको पहले ही बता दिया कितना देना है। अब हम यहाँ से आस्तीनों की कटिंग कर देंगे।
अस्तिन की कटिंग हमारी हो चुकी है इतनी। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, यहाँ पर कट लगा देंगे 4 इंच पर, 2 इंच मार्जिन में आ जाएगा और 2 इंच यहाँ नीचे स्लीव्स के पास प्लेन आ जाएगा और यहाँ तो ये पूरा ही इलास्टिक में चला जाएगा। तो स्लीव्स तो हमारी कट गई है, इसको हटा देंगे और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको नाप कर देखेंगे। हाँ, इसमें से चोली आराम से निकल रही है क्योंकि ये 16-17 इंच का कपड़ा है। तो यहीं से इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर ये अस्तर रखेंगे और इसके ऊपर रखने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे इसी के नाप से। प्रीति ये भी ले ले, कितना अच्छा लग रहा है ना ये। हाँ ले लो। ले लिए ना ये, इसकी कटिंग भी हो गई हमारी। तो लगभग हमारी पूरी फ्रॉक तो कट गई है। अब ये जो कपड़ा बचा है हमारा, इतना हमारी ये जो प्रीति को यहाँ पर वो फुंदे वाली वो डिजाइन चाहिए ना, उसमें से आराम से निकल जाएगा और कपड़ा तो बहुत सारा बचा है, कुछ भी बना सकते हैं अभी तो इसमें से। तुम्हारे लिए एक स्कार्फ बनाते हैं। हाँ सर में बांधने के लिए थी तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा बहुत बढ़िया, एक जैसा ड्रेस हो जाएगा उसके साथ। स्कार्फ नहीं, वो ऐसा हेयरबैंड टाइप का। हाँ हम स्कार्फ का ही बोल रहे थे, तुमने हेयरबैंड बोला और हमने समझ गए थे तुम्हारी बात, लेकिन मतलब तो सब्सक्राइबर नहीं समझेंगे दिमाग में क्या बातें कर ली। हाँ फ्रेंड्स, दीदी का कहने का मतलब था वो हेयरबैंड मतलब स्कार्फ का मतलब। नहीं, मेरा स्कार्फ ही कहने का मतलब था, तुमने हेयरबैंड समझ लिया और तुम हेयरबैंड का बोलने लगी तो मैं समझ गई तुम हेयरबैंड का बोल रही हो। तो स्कार्फ कैसा, क्या फेस कवर करने वाला? नहीं नहीं डालते वो वाला स्कार्फ, वो स्कार्फ। हाँ हाँ वो भी खैर अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना स्कार्फ। तुम हेयरबैंड को बोल रही थी, तुम स्कार्फ कह रही, तब भी हम समझ गए कि हाँ तुमने हेयरबैंड बोल दिया। हाँ हेयर मतलब अभी तो कटिंग कर लिए, कल देखेंगे स्कार्फ बनाना, हेयरबैंड बनाना, जो भी बनाना है, बस मेरे रिबन जो बनाना है मुझे वो बन जाए। इसका कपड़ा बचे नहीं बचे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे बहुत सारा बन जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ तुम लेकिन हेयरबैंड बना लेना, फ्रॉक के साथ हेयरबैंड अच्छा लगेगा। हाँ इसके साथ वैसे भी मुझे दुपट्टा वेयर नहीं करना, ये वेस्टर्न फ्रॉक बना रहा ना दीदी, इसलिए अच्छा लगेगा इसके साथ। और मुझे मैंने ऐसा होता है किसी पुरानी हीरोइन को पहने भी देखा है। अरे अरे हाँ मैंने देखा है ना। किसको? वो उनका नाम कहेगा, अरे यार नाम याद नहीं आ रहा। हाँ कौन ली थी? अरे वो उनका गाना नहीं है उलाला उलाला। एड में आती है यार, नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी स्लीव्स, ये रही हमारी चोली, ये रहा हमारा बड़ा वाला घेर। और आपको पता ही है हेयर बैंड का तो मैंने डिसाइड कर ही लिया है और रिबन्स तो यहाँ हम लगाने वाले। इसकी स्टिचिंग मुझे तो इंतजार है, जल्दी ये स्टिच हो जाए, मैं जल्दी से पहन लूँ क्योंकि मैं बहुत ही। तुम इसको गुड़िया के बर्थडे पहन लेना। ओ हाँ यार सही बोल रही हो तुम, अच्छा आइडिया दे दिया दीदी ने ना, गुड़िया के बर्थडे पहन लेना। चलो तो फ्रेंड्स, वैसे भी अपन लोग कहीं जाने लगे घूमने तो फिर अच्छी लगेगी पहनने। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रेस की कटिंग कैसी लगी, डिजाइनर वाली मेरी लॉन्ग फ्रॉक की? और अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है आप लोग। तो फ्रेंड्स को कपड़ा ही इतना अच्छा लग रहा है कि पागल हो गई। फ्रेंड्स चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं कल, बाय बाय।